19 नवंबर साल 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वीरांगना थीं। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पर उन्होंने पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर रखा गया। उन्होंने महज 29 वर्ष के आयु में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। 19 नवंबर साल 1997 को कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने पहले ही मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटी। 19 नवंबर साल 1999 से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सबसे पहले इसकी पहल त्रिनिदाद और टोबागो ने की। यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता से बचाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया के 30 देश से अधिक देशों में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे मान्यता देते हुए इसकी आवश्यकता को बल दिया और इसकी सराहना की। पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था सेव इंडियन फैमिली ने पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस साल 2007 में मनाया।